हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे लिनक्स के सूडो टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर लिनक्स के एक सूडो टॉपिक के ऊपर आप एक वीडियो बना कर दीजिए, तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं लिनक्स के सूडो टॉपिक के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम के फॉर्मेट में समझेंगे सूडो टॉपिक की यूज हमें क्यों होता है, और देन उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने लिनक्स मशीन बहुत बार इंस्टॉल भी किया होगा, राइट? और अगर नहीं किया तो मेरे वीडियो को फॉलो कर लीजिए। मैं लिनक्स के ट्यूटोरियल में फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अब दोस्तों, अगर आपने लिनक्स को इंस्टॉल किया तो आप सबको पता होगा लिनक्स के ऊपर जो बाय डिफॉल्ट यूजर्स क्रिएट होता है वो सुपर यूजर होता है, राइट? और यहाँ पर सुपर यूजर आप सबको पता है रूट को हम यहाँ पर सुपर यूजर बोलते हैं। बट आप लोगों को पता है कि जब भी हम एक लिनक्स सर्वर रेडी करते हैं या इंडस्ट्रीज में कोई लिनक्स के ऊपर सर्वर्स होता है तो उसके ऊपर जो बाय डिफॉल्ट यूजर होता है वो रूट होता है, आप सबको पता है। और रूट एक सुपर यूजर की तरह काम करता है और ये सुपर यूजर ही होता है, राइट? लेकिन अगर हम बात करें कि ये हमारा लिनक्स का सर्वर 24/7 चलता है, तो इस पे हमारे जो बंदे होते हैं, जो शिफ्ट जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पूरे के पूरे शिफ्ट पे सर्वर पे काम कर रहे होते हैं, राइट? मतलब अगर ये सर्वर 24/7 चल रहा है तो आप समझ लीजिए इस सर्वर के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर बंदा काम नहीं कर रहा होगा दोस्तों। इस सर्वर के ऊपर एक टीम होगी, लाइक 12 बंदों की टीम या 15 बंदों की टीम होगी, और चार चार बंदे करके शिफ्ट में इस सर्वर पे काम कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर इस सर्वर के ऊपर रूट से ही लॉग इन करके सारा कुछ करें तो कौन से शिफ्ट के बंदे ने क्या एक्टिविटीज किया, इन सबके लॉग्स जो जनरेट होंगे वो रूट यूजर के बिहाफ में ही होंगे। तो अगर कोई भी यूजर या कोई भी इंजीनियर सर्वर के ऊपर कुछ भी एक्टिविटीज, बैड एक्टिविटीज कर देता है, तो इस चीज को पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट होता था कि किस यूजर ने ये काम को किया है, किस यूजर ने इस बैड एक्टिविटीज को परफॉर्म किया है, ये बहुत ही डिफिकल्ट हमारे लिए होता था। तो फिर लिनक्स में एक सिस्टम है कि कोई भी कंपनियां यूज करना, ये सिस्टम को कंपनियां यूज करना स्टार्ट कर दी कि हम सर्वर के ऊपर रूट लॉगिन ही बंद करके रखना चाहते हैं, सर्वर पे रूट लॉगिन अलाउ ही नहीं होगा। और जो भी 15 बंदों की टीम है या 12 बंदों की टीम है जो इस सर्वर पे काम करती है, उनके लिए हम एक नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करके देंगे, राइट? हर यूजर्स के नाम का एक एक यूजर्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो आप 12 यूजर है, 15 यूजर है, तो आप सबका सबके नाम का एक एक नॉर्मल यूजर्स आप क्रिएट कर दीजिए, उनका पासवर्ड सेट कर दीजिए और उनसे बोलिए कि आप लोग अपने अपने आईडी पासवर्ड से लॉग इन करिए सर्वर के ऊपर। बट एक क्वेश्चन ये आता है कि जब भी नॉर्मल यूजर्स अपने आईडी पासवर्ड से सर्वर पे लॉगिन करता है दोस्तों, तो उस नॉर्मल यूजर के पास बहुत ही कम राइट्स होते हैं। इवन देखा जाए तो इन नॉर्मल यूजर के पास सिर्फ इतना ही राइट्स होता है कि वो अपने एक छोटी मोटी कमांड चला लेते हैं और अपने होम अकाउंट में छोटा मोटा कॉन्फिगरेशन कर लेते हैं। बट जब सिस्टम की कॉन्फिगरेशन की बारी आती है तो इन नॉर्मल यूजर के पास राइट्स नहीं होता है। सिस्टम की कॉन्फिगरेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट रूट यूजर के पास ही पावर होता है। बट हमने तो रूट को बंद कर रखा है तो फिर क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर एक टॉपिक आता है दोस्तों, उस टॉपिक को बोला जाता है सूडो। तो आप सूडो टॉपिक को यूज करके आप नॉर्मल यूजर्स को उनके रोल के हिसाब से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से परमिशन दे सकते हैं। तो बेसिकली सूडो टॉपिक के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉर्मल यूजर को परमिशन असाइन करते हैं कि आप सर्वर पे ये एक्टिविटीज कर सकते हो, आप सर्वर पे ये कमांड चला सकते हो, ये सारा चीज हम सूडो टॉपिक के थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं इसको प्रैक्टिकल मैनर। तो ये मेरे पास एक ही सर्वर मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, बट उसको दो टर्मिनल पे मैंने एक्सेस कर रखा, राइट? तो यहाँ पर देखो, मैं एक यूजर बनाता हूँ, यूजर एड और हैरी, और मैं इसको यहाँ पर एक पासवर्ड भी असाइन कर देता हूं। चलो, तो अब देखो यहां पर मैं हैरी से लॉगिन कर लेता हूं एसयू करके, और ये रूट से और ये हैरी से। तो रूट यूजर ने कमांड चलाया fdisk-l, तो कमांड एक्सिक्यूट हो गया। बट एक हैरी जब ये कमांड चलाता है तो क्या बोल रहा है, परमिशन डिनाई, परमिशन नहीं है इसके पास। और अगर हैरी sudo करके fdisk-l करता है तो अब उससे पासवर्ड मांग रहा है।
कौन सा पासवर्ड मांग रहा है, हैरी से खुद का पासवर्ड मांग रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है कि तो सच में हैरी है क्या। तो हैरी ने एक बार अपना पासवर्ड दिया तो अब क्या एरर मैसेज दिया, हैरी इज नॉट इन द सूटर्स फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्ट। कह रहा है कि हैरी तू सूटर्स फाइल पे ऐड नहीं है, तो जब तक हैरी सूटर्स फाइल में ऐड नहीं किया जाएगा तब तक हैरी के पास परमिशन नहीं आएगा, राइट। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर। इसी तरीके से हैरी अगर यहाँ पर यूजर ऐड करने की कोशिश करे तो ये यूजर भी ऐड नहीं कर सकता, राइट, देख सकते हैं आप। तो इसको कोई परमिशन ही नहीं है। हैरी अगर यहाँ पर सुडो और सर्वर को रीबूट करने की कोशिश करे तो रीबूट भी ये नहीं कर सकता, क्लियर। तो हैरी के पास परमिशन ही नहीं है ऐसा कुछ। तो अब हैरी को अगर हम परमिशन देना चाहते हैं कि एफडीएस की कमांड एक्सिक्यूट कर ले, यूजर ऐड की कर ले और रीबूट की कर ले, तो आपको क्या करना होगा, देखिए। सबसे पहले आप कमांड की बाइनरीज निकालिए, विच कमांड से आप कमांड की बाइनरी निकाल सकते हैं। तो विच सबसे पहले मैंने यहां पर किया fdisk-l, राइट। उसके बाद मैंने यहां पर किया विच यूजर एड, राइट, दो निकल गया यहां पर, और विच रीबूट। तो दोस्तों ये तीन कमांड की बाइनरी मैंने यहां पर निकाल लिया। जो भी कमांड की परमिशंस आप देना चाहते हैं नॉर्मल यूजर को वाया सुडो टॉपिक, तो सबसे पहले विच कमांड से आप उसकी बाइनरी निकालिए। तो सिंपल है, विच कमांड लिखिए और उस कमांड को यहाँ पे लिखिए तो उसकी बाइनरी आपके सामने आउटपुट आ जाती है। और इसको आप नोट करके लिख भी सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप सूडर्स फाइल में जाओगे तो ये बाइनरीज को आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्लैश एसबिन एफडीएस स्लैश एसबिन यूजर एड एंड स्लैश एसबिन रीबूट। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सूडर्स फाइल के अंदर जाता हूँ, vimdc सूडर्स फाइल के अंदर आ जाओ और यहाँ पे मैं लाइन नंबर सेट कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आप चेंजेस करते हो। हालांकि आप कहीं पर भी चाहो ब्लैंक कहीं पर भी आप लिख सकते हो, बट मैं एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपको बता के चल रहा हूँ जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होनी। ये देखो यहाँ पर, तो आप इसके नीचे एंट्री कर लीजिए, तो ओ प्रेस करेंगे तो नीचे एक ब्लैंक लाइन क्रिएट हो गया और यहाँ पर एंट्री आप करिए। तो एंट्री आप इस तरीके से करोगे, हैरी और उसके बाद ऑल इज इक्वल टू ऑल, और यहाँ पर मैंने क्या किया और। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पर ऑल लिख दिया तो ऑल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि हैरी इन तीन कमांड के अलावा और भी कमांड एक्सिक्यूट कर सकता है। और भी का मतलब क्या हुआ कि सारे कमांड्स एक्सिक्यूट कर सकता है हैरी जो रूट करता है, अगर मैंने यहाँ पे ऑल मेंशन कर दिया, राइट। तो एक बार मैं ऑल करके आपको वेरीफाई करा देता हूं, देख सकते हैं। अब अगर हैरी यहां पर सुडो यूजर ऐड करे तो देखिए पासवर्ड इसने दिया कि यूजर ऐड भी कर लिया। अगर हैरी यहां पर सुडो fdisk-l करे तो देखिए कमांड चल रही है। अगर हैरी यहां पर सुडो यूजर डेल -rf करे तो देखिए ये भी कमांड चल रही है। और अगर हैरी यहां पर sudo और रीबूट करे तो रीबूट भी चलेगी। ऑल का मतलब क्या था दोस्तों, कि हैरी सारा का सारा टास्क सारी की सारी कमांड चला सकता है। बट मैं तो सिर्फ तीन देना चाहता था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप सूडोस फाइल में जाइए, ऑल की जगह आप यहाँ पे बाइनरीज लिखिए। क्या लिखिए, एस बिन fdisk-l/sbin-user-add/sbin-reboot, that's it. उसके बाद आप क्या करिए, फाइल को सेव करके बाहर आइए। अब हैरी सिर्फ तीन ही कमांड चला सकता है। तो अगर मैंने यहां पर हैरी sudo power off लिखा, not allowed। अगर मैं यहां पर sudo user add संजय लिखूंगा, यूजर तो उसने ऐड कर दिया, बट अगर यहाँ पर मैं sudo user mode -c कमेंट देने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, मतलब मॉडिफाइड कर रहा हूँ IT admin, तो ये मॉडिफाइड नहीं करने देगा मुझे, देख सकते क्या बोला, नॉट अलाउ।
sudo user del hyphen rf Sanjay not allowed. User del की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, user del not allowed. तो अगर यूजर मोड और del भी देना चाहता हूं तो क्या करना होगा, सेम तरीका है, आप यहाँ पे which कमांड से यूजर मोड की बाइनरी निकाल लीजिए और which कमांड से del की भी बाइनरी निकाल लीजिए, देन उसके बाद आप क्या करिए sudo फाइल पे आ जाइए. तो हम sudo फाइल पे गए और यहाँ पर हमने क्या किया कॉमा किया और यहाँ पर हमने क्या किया एस बिन यूजर मोड भी ऐड कर दिया एंड अगेन कॉमा स्लैश एस बिन यूजर. तो दोस्तों जितनी कमांड्स की राइट्स आप देना चाहते हैं यहाँ पर बाइनरी ऐड करते जाइए बस. तो अब यहाँ पर आप आके देखिए यूजर मोड भी चल गया और यूजर डेन भी चल गया. क्लियर? तो बहुत ही सिंपल ये. और अगर मैं यहाँ पर sudo रिबूट करूं तो रिबूट भी चल जाएगा, बट मैं एंटर नहीं कर रहा हूं. आप लोग प्रैक्टिस करना तो करके देख सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं. चलो तो इस तरीके से दोबारा मैं sudo फाइल के अंदर जाता हूँ. इस तरीके से आपको जितनी भी कमांड्स की राइट थी यहाँ पे एंट्री करते जाइए. बट अब क्वेश्चन आता है कि हम Harry को फुल पावर देना चाहते हैं बट कुछ कमांड की परमिशन को छोड़ के, राइट? मतलब हैरी को फुल पावर तो देना चाहते हैं बट कुछ कमांड्स नहीं अलाउ करना चाहते, राइट? लाइक रीबूट नहीं देना चाहते, पावर ऑफ नहीं देना चाहते, बाकी सारी चीजें कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे इंजीनियर्स होते हैं सर्वर के ऊपर जिनके बहुत अप्रोच होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं भाई हमें तो फुल पावर चाहिए, हमें फुल पावर चाहिए. तो ठीक है भाई तू ले जा फुल पावर, बट एटलीस्ट हम तुझे रीबूट और पावर ऑफ राइट तो किसी भी हालत में नहीं देंगे. तो उस केस में क्या करोगे, जितनी कमांड है सारी बाइनरीज लिखोगे दोस्तों? तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी अगर सारी बाइनरीज लिखोगे तो, और आपको सारी बाइनरीज निकालने में भी बहुत टाइम लग जाएगा. तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है मैं आपको बता, आप कुछ मत करिए, आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपना काम यहाँ पे कर सकते हो. और वो सिंपल तरीका दोस्तों क्या है, देखो आप यहाँ पर क्या लिखिए, ऑल लिखिए एंड कॉमा exclamation mark has been reboot comma exclamation mark has been power off. तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, all का मतलब all command में हमने permission दी थी, but exclamation mark यहाँ पर not को denote कर रहा है, not this command, not this command. तो ये दो command छोड़ के सारी चला लेगा. चलो check कर लेते हैं यहाँ पर. तो Harry यहाँ पर reboot करने की कोशिश करेगा, not allow. Harry यहाँ पर पावर ऑफ करने की कोशिश करेगा, नॉट अलाउ, राइट? Harry यहाँ पर यूजर ऐड करने की कोशिश करेगा, अलाउ, यूजर ऐड हो गया. और अगर यूजर ऐड भी मान लो बंद करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉमा करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क देना और एज बीन User add. तो देख सकते हैं अब यहाँ पर यूजर एड भी ये नहीं कर सकता, देख सकते. क्लियर? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसके बारे में. अब अगर बात ऐसी आती है कि और भी n नंबर ऑफ यूजर्स है, मान लीजिए और भी n नंबर ऑफ यूजर्स है जिनको हमें परमिशन देना है, राइट? जैसे मैं बाहर आता हूँ इस फाइल से, एक यूजर हमारे पास नताशा है, एक यूजर हमारे पास सरा है, और बोला गया इन दोनों यूजर्स को भी परमिशन देनी है sudo जो Harry को दिया गया. तो क्या करोगे आप, इस लाइन को यहां से कॉपी कर लो, पेस्ट, राइट? एंड पेस्ट, बस यहां पर आप नाम चेंज कर दो, यहां पर बस नताशा और सर. और अगर कोई बोले नताशा को अदर परमिशन रखनी है तो इस लाइन में उसकी वैल्यू चेंज कर दीजिए बस. अब किसने बोला नताशा को ऑल देना है तो आप यहां से ऑल मतलब सारा कुछ रीबूट वूट भी देना, ये लो ऐसे कर दो. और कोई बोला गया सर को ऑल नहीं देना, सिर्फ
यूजर एड, यूजर डेल और यूजर मोड ही देना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर बस तीन बाइनरी लिख दो, और बाइनरी कैसे चेक करते ये भी मैंने आपको बता दिया है, राइट। यहाँ पर आप ऐसे लिख दो, यहाँ पर एज बिन यूजर मोड एंड कॉमा स्लैश एज बिन यूजर डेट, दैट्स इट, काम करता। इसी तरीके से आप एन नंबर ऑफ यूजर्स की एंट्री नीचे नीचे करते कर सकते हो, राइट। बट इससे भी एक इजी मेथड मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आप किसी यूजर को डायरेक्टली परमिशन देने की जरूरत नहीं है, आप एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप को परमिशन दे दीजिए और यूजर को उस ग्रुप का मेंबर सेट कर दीजिए जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह यूजर्स ऐड कर रहे थे जाएंगे बहुत लंबा, फाइल भी बड़ी होती जाएगी और बहुत डिफिकल्ट भी होगा, तो हम ऐसा कंपनी में नहीं करते हैं। कंपनी के अंदर क्या होता है, कभी भी किसी भी यूजर्स को हम डायरेक्टली परमिशन नहीं देंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। हैरी को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं कंपनी के अंदर, देखो हम यहाँ पर कंपनी में ग्रुप बनाते हैं, राइट। क्या करते हैं, ग्रुप ऐड, और हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया जैसे लाइक डेव टीम नाम, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास यूजर हैं, जैसे जी पास डब्ल्यूडी हाइफन एम, मेरे पास एक हैरी है एंड कॉमा नताशा, इन तीनों यूजर को ग्रुप में ऐड कर रहा हूं मैं। कौन सा ग्रुप है मेरे पास, डेव हाइफन टीम, राइट। इन दोनों तीनों को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया। कैसे पता करेगा ग्रुप में ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ग्रैब कर लो यहाँ पर और डेव हाइफन टीम को ETC ग्रुप वाली फाइल से, तो तीनों तीनों यूजर इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं। और अब मैं क्या करूंगा, ETC स्टूडर्स वाली फाइल के अंदर जाऊंगा और देखो यहाँ पर ग्रुप का सेक्शन है, यहाँ पे आऊंगा मैं और परसेंटेज डेव हाइफन टीम, सॉरी ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा डेव हाइफन और स्कूल टू बस, आगे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर परमिशन दे देना बस। तो अब देखो यहाँ पर इनको परमिशन, हैरिस नॉट इन द सूटर्स फाइल, कुछ तो हमने यहाँ पर मिस्टेक किया है सर, चेक कर लेते हैं। लगता है परसेंटेज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा मुझे, अब देख लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक सिंगल नेम ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डैब कर दिया और मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब एक मैं तो नया ग्रुप ही बना लेता हूँ, ग्रुप एड डैब, और फिर मैं उन तीनों यूजर को इस पे ऐड कर लेता हूँ, क्लियर। चलो तो अब यहां पर करके देखो, राइट। तो ये वर्किंग हो गया, हैरी इज नॉट इन द सूटर्स फाइल, तो इसने मुझे फिर एरर दिया, तो चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये परसेंटेज यहाँ पर नहीं मेंशन करना होगा। चलो अब ये वर्किंग करेगा, राइट। ये अगेन मुझे इसमें एरर मैसेज दे दिया। आई थिंक मेरे हिसाब से एक बार मुझे इसको हैरी को लॉग आउट करना पड़ेगा, अभी भी मिस्टेक है। अब फाइन, राइट। तो ये मेरा ओके यहाँ पे दोस्तों, राइट। और आई थिंक मैं एक बार ये भी वेरीफाई कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, ये हाइफन टीम में ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो
आई थिंक एक बार लॉग आउट करके भी मैं देख लेता हूँ यूजर को, तो क्लियर हो जाएगा हमारा ये डाउट। एक बार मैं इसको लॉग आउट किया यहाँ पर, वेरी गुड। तो दोस्तों ये भी हमारा सही था, राइट, ये भी कोई गलत नहीं है, सही सिंटेक्स है यहाँ पर। और ये वर्किंग इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे एक बार लॉग आउट करना पड़ा, राइट। तो ये सिंटेक्स भी ये एक्सेप्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज कर सकते हैं। चलो अब थोड़ा सा अगला टॉपिक सुडो पे ही मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखो, आपने यहाँ पर जैसे एंट्री किया, राइट, और आपको पता है कि जब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे थे यहाँ पर हैरी और आप ऑल कर रहे थे, राइट, और देन उसके बाद आप यहाँ पर ऑल लिख रहे थे, राइट। और ये वाली एंट्री अभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ग्रुप वाली। अब मैं फाइल को सेव करके बाहर आया। अब यहाँ पर देखिए हैरी ने एक बार यहाँ से मैं लॉग आउट किया हैरी को, और दोबारा मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। अब देखिए यूजर एड सॉरी हैरी ने कमांड एक्सिक्यूट किया सुडो एफ डिस्क हाइफन हैरी, राइट, चल गया यहाँ पर। और सुडो यूजर एड, राइट, अभी देखो ये एक्सिक्यूट हो रहा है यहाँ पर। अभी मैं थोड़ा सा सेशन अगर रोक कर एक कमांड एक्सिक्यूट करूंगा तो मुझसे पासवर्ड मांगता, राइट। तो आप जैसे सुडो के थ्रू जब आप हैरी कोई कमांड चलाता है तो पासवर्ड टाइप कर देता है, वो पासवर्ड जो भी टाइप करता है उसका एक सेशन होता है, राइट, वो 30 सेकंड 35 सेकंड 45 सेकंड का एक सेशन होता है, उसके बाद वो फिर अगेन पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, उसके बाद अगेन पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बिना पासवर्ड पासवर्ड लेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक नई कमांड चलाऊं, आई थिंक अभी नहीं कर रहा है, और जैसे ही सेशन एक्सपायर होगा तो उसके बाद करेगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं हैरी की जगह यहाँ पर डिफरेंट यूजर यूज कर लेता हूँ, राइट, तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक नताशा। तो अब हम यहाँ पर नताशा से लॉग इन करते हैं, और नताशा ने कमांड चलाई सुडो fdisk-l, देख सकते हैं आप fdisk की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने यहाँ पर, तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट ही ना करे, पासवर्ड लेस। तो आपको कुछ नहीं करना जब आप यहाँ पर लाइन ऐड कर रहे होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप इस ऑल के आगे क्या लिखिए, नो पास wd, दैट्स इट, एंड कोलन। तो अब पासवर्ड ही प्रॉम्प्ट नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंटेक्स मैंने आपको बताया। तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड ही प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो अब मैं फाइल को सेव करके बाहर आया, और अब देखिए नताशा यहाँ पर चलाती है, उसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। चलो अब एक और टॉपिक बात करते हैं सूटर पर। दोस्तों सूटर फाइल के अंदर जाओ, और अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर n नंबर ऑफ कमांड सेट करना है, राइट, तो आपको पता है कि आप लाइन से पूरी की पूरी कमांड्स की बाइनरीज आप मेंशन करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है अगर आपको ये डेली बेसिस पे करना पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सूटर्स फाइल्स के अंदर अलियास सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ अलियासेस आपको ऑलरेडी यहाँ पर सेट मिलेंगे, जैसे देखो नेटवर्किंग के अलियासेस सेट है, राइट, और देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलियासेस सेट है। तो आप यहाँ पर खुद का अलियासेस ऐड कर सकते हो, या फिर आप इन्हीं को एडिट कर सकते हो। तो ये जो है ये एक जस्ट काइंड ऑफ मैसेज है, और इसको आप अनकमेंट करिए यहाँ से, और ये cmnd_alias, और ये अलियास नेम है, और अलियास नेम शुड बी कैपिटल होना चाहिए, बात ध्यान रखना। जैसे अलियास नेम मैंने यहाँ पर सेट कर दिया संजय, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सी कैपिटल यहाँ पर, mnd यहाँ पर, फिर अंडरस्कोर अलियास, राइट, और इसके बाद यहाँ पर आप बाइनरी ऐड करिए जो जो कमांड आप ऐड करना चाहते हैं अलियास में। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी कमांड यहाँ पर ऐड है, आप अपनी भी कोई कमांड यहाँ पर चाहो तो ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
अलियास सेट करने से बेनिफिट्स क्या होगा मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर अपना एसबिन भी ऐड कर दिया, इन सबको हटा कर भी ऐड कर सकता हूँ, बट मैं हटा नहीं रहा हूँ, इन्हीं के आगे अपेंड कर रहा हूँ। यूजर एड कॉमा एसबिन यूजर मोड कॉमा एसबिन यूजर डेल कॉमा एसबिन रिबूट कॉमा एसबिन पावर ऑफ लिख। यहां पर एक बार आपको वन टाइम एफर्ट्स करना, जितनी कमांड्स हैं ऐड कर लो, ग्रुप के हिसाब से भी अलियास बना सकते हो। फिर क्या करना होगा, देखो फिर जब आप यहां पर किसी भी यूजर्स को राइट दे रहे होते हो दोस्तों, तो यहां पर आप ऑल ना लिखकर अलियास को कॉल कर लो, दैट्स ये बेनिफिट्स है। तो देखो यहां पर मैं फाइल से सेव करके बाहर आया, और नताशा पे लॉगिन हूं, नताशा यहां पर कमांड एक्सिक्यूट कर रहा, पासवर्ड मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, क्योंकि मैंने नो पासवर्ड पैरामीटर नहीं लिखा। तो अगर मैं यहां पर नो पासवर्ड पैरामीटर लिख देता हूं तो फिर वो प्रॉम्प्ट भी नहीं करेगा, नहीं तो आप पासवर्ड यहां पर दीजिए, ये लो, दैट्स इट। आप देख सकते हो, आई थिंक एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा मुझे, राइट, ये अभी भी पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है। सॉरी, यहां पर स्पेस देना था थोड़ा मुझे। आई थिंक मेरे हिसाब से अलियास में ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट करना तो चाहिए इसको। चलो कोई नहीं दोस्तों, ये अलियास के ऊपर ये नो पासवर्ड वाला सिंटेक्स मैं अलग से करके दिखा दूंगा आपको। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पासवर्ड ही टाइप कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, नताशा को पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो देख सकते हैं, यूजर बता दें इट्स नॉट अलाउड टू एक्सक्यूट, वो एफ डिस्क हमने ऐड नहीं किया, राइट, एफ डिस्क हमने ऐड नहीं किया था। तो देख सकते हैं यूजर ऐड चल रहा है यहां पर, और यूजर ऐड ये और यूजर डेल भी चला के देख लेते हैं। यूजर डेल, राइट, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एफ डिस्क ऐड नहीं किया था, इसलिए वो एफ डिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर मैंने अलियास में कहीं पर भी एफ डिस्क ऐड नहीं किया था, देख सकते हैं, राइट, मैंने रिबूट ऐड किया था तो रिबूट चलेगा। तो दोस्तों ये नो पासवर्ड वाला जो पैरामीटर है, ये आप एक बार देखिएगा इसको, और मैं भी इस पे थोड़ा सा देख कर इसकी अलग से वीडियो कर दूंगा, राइट, जो अभी मिस्टेक हो रहा था। और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sudo reboot, तो देखिए आप reboot होना चाहिए तो हो गया, क्लियर। तो चलो दोस्तों, तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। और सच में दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, रात के 1:30 बज चुके हैं और मुझे सुबह भी काम है। चलो दोस्तों, बाय बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत ही जल्दी लिनक्स के ऊपर।